हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन आपके हर डाइकास्टिंग सॉल्यूशन के लिए आपके साथ है। तो जल्दी से आज का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है नाइट्रोजन गैस इंपॉर्टेंस इन हाई प्रेशर डाइकास्टिंग। नाइट्रोजन गैस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे हाई प्रेशर डाइकास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर में, और ख़ासकर हम लोग उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारे यहाँ आपने देखा होगा इस तरह की मशीनों के अंदर में, जो ये बॉटल्स हैं, ये जो बॉटल्स हैं, इन बॉटल्स के अंदर में नाइट्रोजन फिल्ड होती है हमारी एक इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए और एक इंस्टेंट प्रेशर लेने के लिए। तो एक बार इसकी हम लोग जो है वर्किंग समझते हैं कि किस तरीके की जो वर्किंग है इसकी रहती है। ये इस टाइप का जो एक्यूमुलेटर हमारे यहाँ रहता है, और इस एक्यूमुलेटर के अंदर में हमारी नाइट्रोजन जो गैस है वो फिल होती है। ये फिल हो रही है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस। अभी चार्ज है ये, और अभी इसके अंदर ऑयल फिल करके जो हम लोग इसको कंप्रेस्ड कर रहे हैं इस ब्लैडर को, जो इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब हमें ये एनर्जी चाहिए होती है तो इस तरीके से ये ऑयल के फ्लो को इंस्टेंट फ्लो में कन्वर्ट करके हमें वो एनर्जी देता है, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है एज़ पर हमारे जो एप्लीकेशन की डिमांड रहती है हर शॉट के अंदर में जो है। तो ये एक एप्लीकेशन है हमारे यहाँ जो हाई प्रेशर डाइकास्टिंग में यूज़ होता है। और इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर में ये एक मशीन का पैनल का शॉट है मेरे पास में, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हम लोग जब फास्ट शॉट इंजेक्शन की जो एनर्जी है वो लेते हैं हम लोग, तो हम जो वैल्यू पुट करते हैं उसके अंदर में अपने पैनल के अंदर में, तो फास्ट शॉट की वैल्यू हम पुट करते हैं, सपोज़ यहाँ पे जो है 445 mm पुट की हुई है। तो ये एनर्जी अगर हमारे फास्ट शॉट एक्यूमुलेटर से डिले होगी ड्यू टू नाइट्रोजन अगर सही से कंप्रेस नहीं होगी, या फिर वो नाइट्रोजन गैस के अंदर में इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी या उसका कंप्रेशन रेशियो कम होगा, तो वो हमें इंस्टेंट एनर्जी जो है, इंस्टेंट शॉट जो है, जो हमारा जो फास्ट शॉट है उसको डिले करेगा। तो डिले के फॉर्म में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने वहाँ 445 फिल किया था, उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ जो मिल रहा है वो 462 mm मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो है वो 18 to 20 mm का जो डिले है हमें वो देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वी राइज, मीन्स हाई स्पीड को अपनी मैक्सिमम स्पीड रीच करने में, पहुंचने में जो यहाँ पे है 3.5, इसको 3.5 प्लंजर स्पीड पहुँचने में 462 mm की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है अगेंस्ट 445 mm। तो ये एक एप्लीकेशन है इसके अंदर में। इसको मैं एक और ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ग्राफ हैं, एक ये स्पीड का ग्राफ है और एक ये प्रेशर का ग्राफ है। तो ये दोनों ही टर्म्स में जो है नाइट्रोजन हमारे यहाँ यूज़ होती है। स्पीड की टर्म्स में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हाई स्पीड शॉर्ट एक्यूमुलेटर से एनर्जी लेते हैं, और जो प्रेशर है वो इंटेंसिफिकेशन एक्यूमुलेटर से जो है हम लोग एनर्जी लेते हैं। तो दोनों के अंदर नाइट्रोजन फिल करते हैं। तो नाइट्रोजन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके अंदर में इम्प्योरिटी जो है कम होनी चाहिए, जिससे कि उसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो बना रहे और अच्छा रहे। उसका फ़र्क कहाँ पड़ता है कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा प्लंजर मूव होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होके ये फर्स्ट फेज इसने कंप्लीट किया। जब कैविटी फिल का टाइम आता है, यानी कि सेकंड फेज की जब बारी आती है, तो ये एक एक्सलरेशन की फॉर्म में एक लोअर स्पीड से हायर स्पीड की तरफ कन्वर्ट होता है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक टाइम जो है इसको लगता है। जैसे आप देख रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में इसको ये डिस्टेंस जो है ट्रैवल करनी पड़ी, इतना टाइम इसको यहाँ पे लगा।
तो वैसे अगर आप देखें तो जो हम लोग इंस्टेंट एनर्जी वहाँ से ले रहे हैं हाई स्पीड शॉर्ट एक्यूमुलेटर से, तो इसको ये परपेंडिकुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसको जितना हम मिनिमम कर पाएंगे उतना ही हमें जो है डिले जो है उसके अंदर हाई स्पीड शॉर्ट के अंदर में डिले कम मिलेगा। ऐसे ही हम लोग जब हम इंटेंसिफिकेशन प्रेशर की बात करते हैं तो ये प्रेशर की लाइन है जो सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज के अंदर में यूज होता है। तो सेम ये एक लोअर प्रेशर से हाई प्रेशर तक जाने के अंदर भी एक ये जो टाइम है ये लेता है एक्सेलरेशन टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं पी राइज। तो पी राइज जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जो वैलिडेट किया है वो 100 मिली सेकेंड जो है होना चाहिए, लेस देन 100 मिली सेकेंड एक अच्छे पी राइज के लिए, और जिससे कि आपका जो कास्टिंग सॉलिडिफाई होने से पहले जो है वो एक इम्पैक्टफुल प्रेशर जो है उसके ऊपर लगे। सेम अगर हम वी राइज की जो बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं वी राइज, तो ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से वैलिडेट किया है ये 40 मिली सेकेंड जो है, लेस देन 40 मिली सेकेंड जो है होना चाहिए। तो ये एक नाइट्रोजन की जो क्वालिटी है वो बड़ा मैटर करती है, जिसको हम लोग जो है इम्पोर्टेंस जो है हमें देनी चाहिए। दूसरा और एक और इसका एप्लीकेशन है जहाँ हम लोग अपने डाइकास्टिंग के अंदर में यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक डिगैसिंग के हो रही है यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर में, एक डाइकास्टिंग शॉप फ्लोर के ऊपर में। तो हम लोग डिगैसिंग के लिए भी जो है एक नाइट्रोजन गैस हम यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, उसको अपने साथ जो है एक बॉन्ड बना के वो मेटल से बाहर निकालती है। तो अगर नाइट्रोजन की क्वालिटी सही नहीं होगी या उसके अंदर ऑक्सीजन के फॉर्म के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो अगर होगी तो वो मेटल को क्लीन जो है नहीं कर पाएगी। इसलिए नाइट्रोजन गैस जो हम लोग बाहर से परचेज करते हैं, जो अपने सप्लायर से जो परचेज करते हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इसके अंदर में यही एक सजेशन देना चाहूँगा कि नाइट्रोजन गैस हम जब भी बाहर से लें तो नाइट्रोजन गैस के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेमिनेशन है, ऑक्सीजन का जो कंटेमिनेशन है वो हमारा लेस देन जो है 50 PPM जो है होना चाहिए। ये एक पैरामीटर है ऑक्सीजन को चेक करने का नाइट्रोजन के अंदर। जो नाइट्रोजन के सिलेंडर हम लोग बाहर से लेते हैं अपने सप्लायर के थ्रू, उसके अंदर में ऑक्सीजन का कंटेमिनेशन जरूर चेक करें। सिर्फ सर्टिफिकेट देख के या सप्लायर से सर्टिफिकेट ले के जो है अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हाई ना करें। आप सप्लायर के पास जाके एक रैंडम ऑडिट कर सकते हैं, रेगुलर ऑडिट कर सकते हैं, एक सरप्राइज ऑडिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सप्लायर को बोल सकते हैं कि मुझे ऑक्सीजन कंटेमिनेशन जो है वो चेक करना है, और उसके अंदर आप जरूर चेक करें कि लेस देन 50 PPM जो है आपका ऑक्सीजन कंटेमिनेशन आपके नाइट्रोजन सिलेंडर में होना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपके जहाँ जो मशीन है, जो एक्यूमुलेटर की सील है, वो रेगुलरली डैमेज होंगी, आपका प्रेशर बिल्डअप टाइम वी राइज टाइम जो है वो मशीन के अंदर मेंटेन नहीं होगा, आपका जो डिले है जो आपकी हाई स्पीड लेंथ के अंदर में, आपके हाई स्पीड शॉट के अंदर में, प्रेशर बिल्डअप टाइम में, इंटेंसिफिकेशन बिल्डअप टाइम के अंदर में वो बढ़ते जाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए मेरा एक यही सजेशन है कि आप नाइट्रोजन को इम्पोर्टेंस दें, अपनी डिगैसिंग के अंदर जो नाइट्रोजन आती है उसको इम्पोर्टेंस दें। बिकॉज जब तक आप नाइट्रोजन की क्वालिटी ही अच्छी नहीं रखेंगे तो आपकी जो सर्विस है, आपका जो प्रोसेस है वो आप सही नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ सप्लायर से जो है ऑडिट कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस के लिए। तो मेरा एक ही सजेशन है इसके अंदर में कि नाइट्रोजन गैस को जो है आप इम्पोर्टेंस दें। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे और एक अच्छे वीडियो के साथ में और अच्छे टॉपिक के साथ में। मेरी इस लर्निंग चैन को आप आगे बढ़ाते रहें, मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको शेयर करते रहें, जिससे कि इसकी अवेयरनेस जो है वो बढ़े। तो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग टिल डेथ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।